सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम पार्ट 3 देखने वाले ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का। दोस्तों इससे पहले हमने दो पार्ट अपलोड करे, यानी मैंने दो पार्ट इससे पहले अपलोड करा और दोनों पार्ट के अंदर हमने देखे कि HTML क्या होता है और HTML के अंदर कोडिंग कैसे करना है। तो हमने HTML का इस्तेमाल करके दो तीन पेजेस भी हमने डेवलप करे, जो कि हमारा लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है और डैशबोर्ड है। तो मैंने लास्ट के दो पार्ट्स के अंदर आपको बताया कि HTML के बेसिक्स क्या होते हैं, HTML के अंदर हेडिंग कैसे लेना है, HTML के अंदर फॉर्म कैसे बनाना है, बटन्स कैसे लेना है। तो ये जो HTML के बेसिक्स थे, तो हमने लास्ट के दो पार्ट के अंदर ये कवर कर लिए। ठीक है, तो अभी का जो पार्ट 3 है आज का, तो उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि CSS क्या होता है। तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए दोस्तों, अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर जो आपको बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिख रहा, और ये जो हमारा हेडिंग है, ये हमारे हेडिंग का जो फॉन्ट है, तो इसका स्टाइल चेंज है। ये जो इनपुट के फील्ड है, तो इनपुट के फील्ड का जो साइज़ है वो इंक्रीज है। और ये जो बटन है, तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट है। तो ये जो स्टाइलिंग है, तो ये हम CSS के अंदर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक हमने सिर्फ HTML पे कोडिंग करे, तो HTML जो है बेसिकली ऐसा दिखता है, यानी कि जस्ट टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट के अंदर ये जो भी हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं वो सिंपल दिखता है। अभी इसको हमको स्टाइलिंग करना है, यानी कलरफुल करना है, यानी ड्रेसअप करना है इसको, हम सीधे लैंग्वेज में अगर हम बोले तो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कोई भी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो कलर दिखेंगे, जो डिज़ाइन वगैरह दिखेंगे, तो उसके पीछे जो होता है वो CSS का कोडिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने स्टाइलिंग दिया है। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि CSS का कोडिंग कैसे करना है। तो आई होप कि लास्ट के दो पार्ट्स देख के आप लोगों को बेसिक आइडिया आ गया होगा कि HTML होता क्या है, और HTML में स्टार्ट से अगर हमको सीखना है तो बेसिक कोडिंग कैसे लिखना है। आई होप कि आप लोगों को लास्ट के दो पार्ट के अंदर वो समझ में आ गया होगा। सो आज हम आगे बढ़ेंगे CSS के ऊपर, और आज हम देखेंगे कि हमारा जो वेब पेज होता है, हमारी जो वेबसाइट है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसको कलरफुल कैसे बनाना है, इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, और ये जो है हमारा अभी डेवलपिंग प्रोजेक्ट है जो कि अभी हम बना रहे। तो इसमें और ये वाले हमारे ओरिजिनल प्रोजेक्ट में अभी बहुत सारे चेंजेस है। तो सबसे पहला चेंज क्या है कि ये वाला जो कंटेंट है, तो ये पूरा सेंटर में, और हमारा जो कंटेंट है वो पूरा लेफ्ट में। तो अभी हमको ये जो कंटेंट है इसको राइट के अंदर लेना है। ठीक है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे कि एक एक कंटेंट को हम कैसे कैसे प्रॉपर्टी CSS के अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो हमारा कंटेंट है इसको सेंटर के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा index.html का फाइल है, जो कि हमने एकदम पहले वाले पार्ट में बनाया था। अभी हमको क्या करना है कि ये वाला जो कंटेंट है, तो मैंने आपको HTML के अंदर बताया था कि जो भी वेब पेज के ऊपर कंटेंट दिखता है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी जो है, तो इनपुट के फील्ड्स है, जो भी ड्रॉप बॉक्स है, फॉर्म है पूरा, तो ये जो भी कंटेंट हम वेब पेज पे देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा हमने बॉडी टैग के अंदर लिया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉडी टैग है, और ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है तो बॉडी टैग के अंदर है। तो अभी हम सबसे पहले बेसिकली क्या करेंगे कि हमारा जो पेज है, ये पेज को हम सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये जो टॉप का सेक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, हेडिंग सेक्शन बोल के नाम दे देंगे, हेडर सेक्शन। और जो बीच का जो सेक्शन है, इसको हम बॉडी सेक्शन नाम दे देंगे। और जो एकदम नीचे का रहेगा, उसको हम क्या है, फुटर, यानी कि बॉटम सेक्शन। तो इससे क्या होता है कि हमको, हमारा जब हम पेज सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते, डिवीजन के अंदर डिवाइड करते, तो इससे क्या होता है कि हमको सिंपल हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट, हमको समझने के लिए कि ये जो तो हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन के अंदर मेरे को ये चेंजेस करना है, और फिर बॉडी सेक्शन के अंदर मेरे को ये चेंजेस करना है। तो इससे क्या होता है कि हमको कोडिंग भी सिंपल होता है समझने के लिए, और उसके अंदर जो चेंजेस वगैरह करने हैं उसके लिए भी हमको आसानी होती है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हेडर सेक्शन बना देंगे, और नीचे का जो है तो इसको बॉडी सेक्शन बना देंगे। तो ये बॉडी का टैग है हमारा, बॉडी टैग के अंदर हमको हेडर सेक्शन और बॉडी सेक्शन बनाना है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिवीजन ले लूँगा, मैंने एक डिफ टैग ले लिया, और इसको मैं आईडी दूंगा, ठीक है।
मैंने इसको आईडी दे दिया हेडर सेक्शन। ठीक है, अब ये हेडर सेक्शन के अंदर हमको क्या क्या डालना है, ये ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, ये जो हेडिंग है और ये वाला जो लाइन है, ठीक है, एच आर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा हेडर सेक्शन। अभी हमको एक और डिव बनाना है, ये मैंने ले लिया, इसको मैंने आईडी दे दिया बॉडी सेक्शन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अभी इसके अंदर हमको ये पूरा का पूरा फॉर्म लेना है, तो ये फॉर्म मैंने यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ से कट करा और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कोडिंग जो है वो सिंपल दिख रहा है और समझने के लिए भी आसान है कि ये जो है तो हेडर सेक्शन है और ये जो है तो बॉडी सेक्शन है। अभी हमको क्या करना है कि ये जितना भी बॉडी का कंटेंट है इसको पूरा का पूरा सेंटर में लेना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बॉडी है इसके अंदर ये पूरा कंटेंट है। ठीक है, तो अभी हम ये बॉडी को जो है तो CSS हमको अप्लाई करना है। ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी को हमको CSS अप्लाई करना है। तो CSS के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले राउट्स का फोल्डर बनाए थे, तो इसके अंदर हमने जो भी हमारे पेजेस रहेंगे तो हमने बोले थे कि वो हम पेजेस इसके अंदर बनेंगे राउट्स के अंदर। तो अभी हम एक फोल्डर बनेंगे CSS के नाम से, कि जो भी CSS के हमारे फाइल्स हैं तो वो ये फोल्डर के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर हमको एक फाइल बनाना है stylesheet.css। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई CSS का फाइल बनाते हैं तो उसका जो टाइप होता है वो स्टाइल शीट होता है, यानी कि ये एक ऐसा शीट है जिसके अंदर हमारा पूरा स्टाइलिंग का कोड है, यानी कि जो भी हमारा वेब पेज है उस पर जो भी स्टाइलिंग है, कलर है, ये सब चीज़ें है, डिज़ाइनिंग है, तो उसका जो कोड है हमारा ये फाइल के अंदर है, तो इसलिए हम इसको स्टाइल शीट बोलते हैं। और इसका जो एक्सटेंशन है यानी .css है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, बॉडी के ऊपर, बॉडी टैग के ऊपर स्टाइल शीट ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि जो हमारा हेड टैग है, तो हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग लेते हैं और भी इसके अंदर हम अलग अलग टैगिंग लेते हैं, तो इसमें एक और टैग अभी हमको ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा स्टाइल शीट का फाइल है, अभी हम यहाँ पे जो है तो कलर वगैरह ये सब चीज़ें ऐड करने वाले, लेकिन ये वाला जो फाइल है तो ये वाले फाइल को हमको index.html के अंदर इम्पोर्ट करना है, लिंक करना है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे एक HTML का टैग है लिंक, ये टैग के थ्रू हम हमारा ये जो फाइल है इसको यहाँ पे लिंक कर सकते। तो जैसे मैंने लिंक टाइप करा तो यहाँ पे टैग बन गया और इसका जो रिलेशन है यानी कि REL, ये एक एट्रीब्यूट है, तो इसका जो रिलेशन है ये वाले लिंक का, ये है स्टाइल शीट, क्योंकि ये हमारा फाइल जो है तो ये स्टाइल शीट है यानी CSS का फाइल है। ठीक है, और ये href यानी कि ये एट्रीब्यूट से क्या होता है, ये रेफरेंस देता है कि कौन सी फाइल हमको यहाँ पे लिंक करना है। ठीक है, तो अभी हमको कौन सा फाइल लिंक करना है, स्टाइल शीट। तो ये स्टाइल शीट कहाँ पे है, अभी हम यहाँ पे index.html के अंदर है और हमको यहाँ से जाना है CSS के अंदर और CSS से स्टाइल शीट के अंदर। तो अभी हमको यहाँ पे लिखना है CSS, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर दिखा रहा है और उसके अंदर ये जो है तो स्टाइल शीट डॉट CSS दिखा रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, अभी जो हमारा बॉडी बॉडी है, बॉडी टैग है, तो ये बॉडी के अंदर हमारा पूरा कंटेंट है, इसको हमको CSS ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर हमको यहाँ पे CSS के प्रॉपर्टीज ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि CSS का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे जो है तो HTML के जैसा टैग नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो HTML का टैग है, जैसे कि बॉडी टैग है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है जैसे कि बॉडी, और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखेंगे तो इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो है तो बॉडी टैग को यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, सेंटर में जो है तो कंटेंट को सेंटर में लाना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे क्या होता है कि बॉडी टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट है या फिर जितना भी कंटेंट है तो वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। तो अभी मैंने इसको सेव कर दिया। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, ये हेडिंग है और ये पूरा फॉर्म है, ये सेंटर में आ गया है। ठीक है,
अभी दूसरा चेंजेस हमको क्या करना है कि बैकग्राउंड का जो कलर है बॉडी का, तो उसको ये ऐसा लाइट ग्रीन कलर करना है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या है, ये सेमी कॉलन डाला मैंने। अगर हमको दूसरा प्रॉपर्टी ऐड करना है तो हमको इसके आगे सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, और फिर हम यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो दूसरा हमको क्या लेना है, बैकग्राउंड कलर। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अभी ये वाला जो कलर है, तो ये वाला कलर मैंने एक वेबसाइट से लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि flatuicolors.com बोल के एक वेबसाइट है। तो इस पर कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे हैं, आप अगर वेबसाइट बना रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो तो यहाँ से आप जो है तो कलर वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे एन नंबर ऑफ कलर्स अवेलेबल है। सो आई होप कि ये मेरे ख्याल से कलर है वो पैराडाइज ग्रीन। तो इसको जैसे आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक कॉपी होता है। तो ये कॉपी हो गया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश करा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बॉडी का जो है तो कलर भी चेंज हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे दो चेंजेस कर दिए, एक जो है तो हमने इसको सेंटर में ला लिए और दूसरा जो है तो हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिए। अभी हमको क्या करना है कि ये जो हेडिंग है तो इसका जो फॉन्ट फैमिली है, यानी कि ये थोड़ा सा अलग है और हमारा देख सकते हैं आपकी अलग है, तो इसको चेंज करना है। और इसके ऊपर नीचे हमको थोड़ा जो है तो स्पेसेस हमको ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये अभी हमको चेंजेस करना है। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी का जो कंटेंट होता है उसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो अभी ये जो चेंज है ये हमारे हेडर सेक्शन में चेंज है, आप देख सकते हैं। ये हेडर सेक्शन में हमको ऊपर गैप देना है, नीचे थोड़ा गैप देना है, और इसका जो है तो फॉन्ट फैमिली चेंज करना है। तो अभी ये हेडर सेक्शन के अंदर हमको चेंजेस करना है। सबसे पहले हमको इसको पैडिंग देना है ऊपर नीचे से। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि ये हेडर सेक्शन जो है तो ये हमारे डिवीजन का आईडी है, ठीक है। ये कोई टैग नहीं है हेडर सेक्शन। इससे पहले हमने क्या करें, यहाँ पे बॉडी टैग लिए, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे बॉडी लिखे और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ लिख दी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक आईडी को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो आईडी जब हम रेफ़र करते, जैसे कि ये एक आईडी है हेडर सेक्शन, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा। अब हम उसको रेफ़र करके चेंजेस दे रहे हैं। तो अभी हमको यहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम तो लिखना ही है, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ ऐड करना है यहाँ पे, हैश, ठीक है। क्योंकि ये कोई टैग नहीं है जो कि हम डायरेक्टली इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, ये एक आईडी है। तो जब हम हैश यहाँ पे लिखते हैं ना, तो ये वाले फाइल को पता चलता है कि ये हैश, यानी कि ये कोई आईडी को रेफ़र कर रहा है। तो फिर वो चेक करता है हमारे एचटीएमएल के फाइल में कि ये नाम से कोई आईडी है क्या। अगर है तो फिर उसको ये वाले प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दिया, ठीक है। हेडर सेक्शन हमारा ये है। अभी हेडर सेक्शन के अंदर, अभी ये हमारा हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन के अंदर ये हमारा हेडिंग है यानी H1 है। तो हमको ये H1 जो है तो इसको हमको प्रॉपर्टी ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो है तो यहाँ पे स्पेसेस ऐड करना है, पैडिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैडिंग लिखेंगे, ठीक है। पैडिंग यानी कि ये इंटरनल स्पेसिंग होता है। तो पैडिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल ले लिया 10 पिक्सल, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पैडिंग जो है तो इसका चेंज हो गया, ठीक है। पैडिंग में जो है तो यहाँ पे चेंजेस आ गए। एक्चुअली ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये हमारे हेडर सेक्शन के बाहर है, हाँ सॉरी, वो पहले अंदर आ गया था तो अभी मैंने इसको बाहर लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये जब हमारा सेक्शन ख़त्म होगा तो ये सेक्शन के बाद हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मारना है। तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये चेंजेस यहाँ पे हो गए, ठीक है। अभी ये यहाँ पे गैप भी आ गया, ठीक है। तो ये गैप थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैडिंग कैसे ऐड करना है। अभी ये जो इसका फैमिली है तो ये हमको चेंज करना है। तो अभी ये फॉन्ट फैमिली कौन सा है ये कैसे मालूम होगा, तो यहाँ पे हमको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है। यहाँ पे एलिमेंट्स दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जो है तो ये वाला हेडर फाइल ढूंढना है, ये हेडर का हेडिंग ढूंढना है। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है, इसके अंदर हम गए, तो यहाँ पे ये हमारा H1 है। तो इस पर मैंने जैसे क्लिक करा तो आप यहाँ पे राइट में देख सकते हैं स्टाइल्स के अंदर इसके जितने भी स्टाइलिंग है तो ये पूरे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट फैमिली इसका जो है तो कर्सिव है। तो यहाँ पे मैंने इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा
हेडर सेक्शन। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, पूरे हेडर सेक्शन को अप्लाई नहीं करना है। हेडर सेक्शन के अंदर जस्ट एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट को हमको एक टैग है, वो टैग को हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडर सेक्शन मैंने लिया, स्पेस देके उसके अंदर जो एलिमेंट है या टैग है उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया H1। ठीक है, और H1 के अंदर मेरे को ये प्रॉपर्टी डालना है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने पे इसका जो है तो प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो अभी ये और ये पूरा सेम हो गया। ठीक है, इसका जो पैडिंग है हम ये थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ पे 5 पिक्सल यहाँ पे इसको कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है तो सिमिलर हो गया है। ठीक है, अभी जो है तो हमको क्या करना है कि ये वाला जो लॉगिन का सेक्शन है हमारा फॉर्म है, तो ये फॉर्म के अंदर ये जो फील्ड्स है इनको CSS हमको ऐड करना है। ठीक है, तो ये इनपुट जो है तो इनको हमको ऐड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो इनपुट का टैग है तो इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर डायरेक्टली टैग को हम CSS अप्लाई कर रहे हैं तो हमको सिर्फ नाम लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने बॉडी ली, लेकिन अगर कोई आईडी है तो हमको उसके आगे हैश लगाना पड़ेगा। तो ये जस्ट टैग है, तो हम एक टैग को अप्लाई करेंगे तो ये जितने टैग्स है 1 2 ये दोनों को जो है तो अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, इनका जो है तो फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो अभी हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे जो हमारा बॉडी सेक्शन है, सॉरी हाँ ये वाला हमारा लॉगिन सेक्शन है, ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इसका नाम लॉगिन सेक्शन लिया। तो अभी हम इसके अंदर जाके देखेंगे फॉर्म के अंदर कि ये जो इनपुट है इसके CSS क्या क्या है। तो इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है तो पैडिंग है 10 पिक्सल का और बॉर्डर रेडियस है 5 पिक्सल का। ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमको ये सब चीज़ें इसमें ऐड करना है। यहाँ पे हमको लिखना है पैडिंग, 10 पिक्सल का यहाँ पे पैडिंग है और बॉर्डर रेडियस है। ठीक है, 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस है। और अभी हमको इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ाना है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो फॉन्ट है इसका फॉन्ट साइज़ ज़्यादा है और ये वाला जो है इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा है। तो अभी हमको इसको भी इंक्रीज़ करना है। आई थिंक फॉन्ट साइज़ मेरे ख्याल से सेम है शायद। ठीक है, अभी हम फिलहाल ये दो वाले प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया। तो हाँ, अभी मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए फॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, फॉन्ट साइज़ में कोई भी इशू नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने ये इनको प्रॉपर्टी हमने अभी यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि लॉगिन थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हेडिंग का इशू है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा हेडिंग ले लेंगे, कहा गया वो जैसे कि ये H3 है तो यहाँ पे हम H2 ले लेंगे, इसको यहाँ मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा H2। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों साइज़ जो है तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमारा ड्रॉप बॉक्स है, ये जो हमारा ड्रॉप बॉक्स है इसको भी हमको CSS ऐड करना है और ये लॉगिन का जो बटन है इसको भी हमको CSS ऐड करना है। तो अभी हमको क्या करना है कि ये दोनों को ID देना पड़ेगा क्योंकि ये सेपरेट एलिमेंट है, इनको हमको ID दे के चेंजेस करना है। तो ये हमारा सिलेक्ट है, इसको हम यहाँ पे ID देंगे ड्रॉप बॉक्स, ये मैंने यहाँ पे इसको दे दिया ड्रॉप बॉक्स, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको हैश देके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी हमको इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज डालना है जैसे कि पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, ये इसको मैंने ड्रॉप बॉक्स बोल के सेव कर दिया और यहाँ पे इसको भी मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है तो पैडिंग वगैरह यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है,
अभी इसका जो विड्थ है, तो ये विड्थ हमको थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। तो ये विड्थ जो है, तो इसको हम यहाँ पे जैसे कि ले लेंगे 30%। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी, मैंने 30% लिया, तो ये वाला जो हमारा पूरा 100% है उसमें से ही नहीं है, 30% यहाँ पे ले ले। तो अभी हमको थोड़ा और कम करना है यहाँ पे, आई थिंक 25 इनफ रहेगा। इसको मैंने सेव कर दिया, 25 भी ज़्यादा है, 20 भी ज़्यादा है, 15, ओके। सो आई थिंक के 15 जो है तो सूटेबल। तो अभी हमारा ये तो हो गया, अभी हमको CSS बटन को ऐड करना है। तो सेम ये हमारा बटन है, ये बटन को हमको एक आईडी देना है और इसको हमको नाम देना है लॉगिन बटन। ये मैंने इसको नाम दिया लॉगिन बटन, इसको सेव कर दिया। यहाँ से इसको मैंने कॉपी करा और स्टाइल शीट के अंदर मैंने इसको हैश लेके पेस्ट कर दिया। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम आईडी ले रहे तो आईडी से पहले हम यहाँ पे हैश लगा रहे, और अगर डायरेक्टली हम कोई टैग ले रहे तो उसका सिर्फ डायरेक्ट हम नाम ले रहे, जैसे कि इनपुट बॉडी, और बाकी के जो है तो हम यहाँ पे हैश लगा रहे, ठीक है। तो अभी ये इसमें भी क्या है कि ये सेम प्रॉपर्टीज़ है, पैडिंग भी सेम है और बॉर्डर रेडियस भी सेम है, ठीक है। तो ये मैंने यहीं से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो आप देख सकते हैं कि बटन का जो है तो पैडिंग बढ़ गया और इसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे चेंज क्या है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू है और अंदर का जो ये है कलर है वो वाइट है। तो अभी इसको हमको क्या करना है, इसका आई थिंक पैडिंग कुछ ज़्यादा है, तो इसको हमारे मेरे ख्याल से थोड़ा हम चेंज कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे। ओके ठीक है, अभी इसको मैंने यहाँ पे ले लिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो आई थिंक वो ब्लू कुछ नाम है उसका, ब्लू, मेरे ख्याल से यहीं से मैंने कलर लिया था वो ब्लू वाला भी। आई होप कि ये है शायद वो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और ये बैकग्राउंड कलर जो है तो ये हमारे बटन का बैकग्राउंड कलर रहेगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड का ये जो वाइट यहाँ पे ग्रे दिख रहा है बैकग्राउंड, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है तो उसको अगर हमको कलर देना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे सिर्फ जस्ट लिखना है कलर, तो अंदर जो टेक्स्ट है उसको कलर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया वाइट, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कलर जो है तो चेंज हो गया है। आई थिंक ये कलर कोई दूसरा ऐड हो गया है, लेकिन ठीक है ये चेंज हो गया है। तो अभी हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इसका कलर कौन सा है, और डायरेक्टली हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये इसका फॉन्ट साइज और ये पैडिंग वगैरह, इसका हम डायरेक्टली यहीं से पूरा कॉपी कर लेते हैं ये सब। आपको देखना है कि ये जो इसका जो नेम है आईडी का लॉगिन सेक्शन, उसमें जितने प्रॉपर्टीज है तो वो इस पे सब अप्लाई हुए। तो अभी हमने इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव कर दी, ठीक है। इसको जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया है, ठीक है। अभी एक और चीज़ बाकी है, ये जो हमारा ड्रॉप बॉक्स है इसका बॉर्डर, इसमें बॉर्डर में डार्क कलर है और हमारा जो है तो ये लाइट है, इसमें बॉर्डर नहीं है। तो अभी हम इसको बॉर्डर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो ड्रॉप बॉक्स है हमारा उसके CSS क्या है। तो यहाँ पे जस्ट हमने दो ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है, और आई थिंक कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है हमने ये इनलाइन स्टाइलिंग में ऐड किया है, ठीक है। तो इनलाइन स्टाइलिंग कैसा होता है ये नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इनलाइन का मतलब क्या होता है कि हम जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो ये CSS के फाइल में अप्लाई नहीं करते, यानी कि ये जैसे कि ये बटन है, तो अभी बटन को हमको CSS अप्लाई करना है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल के अंदर ही हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से इनलाइन स्टाइलिंग होता है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं वो कवर करूँगा। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यहाँ तक कि आपको बेसिक जो है तो क्लियर हो गया होगा कि CSS क्या होता है, कैसे CSS हमको वेब पेजेस को अप्लाई करना है। तो एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि हमको अब जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाना है, तो ये लिंक कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लिंक है, तो ये जो HREF है इसके अंदर हमको लोकेशन रेफ़र करना है। तो अभी हमको जाना है रजिस्टर पे, तो अभी हमको यहाँ पे उसका लोकेशन सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा राउट्स, राउट्स के अंदर मैंने लिया register.html, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब register.html में गया, यहाँ पे भी एक लिंक है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वापस से हमको इंडेक्स वाले फाइल पे आना है। तो हमको यहाँ पे इसको हटाना है ये, और यहाँ पे अभी देखिए अभी ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फाइल है, अभी हमको इससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए हम लेते हैं डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, बस डॉट डॉट स्लैश भी अगर हमने ले लिए तो ऑटोमेटिकली जो है तो हमारा index.html के फाइल पे शिफ्ट होता है। इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फाइल आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, सॉरी index.html यहाँ पे मैंने ले लिया, सेव कर दिया इसको। जैसे ही मैंने इसको यहाँ क्लिक करा तो index.html पे वो जो है तो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये वाले वीडियो में मैंने एक पेज को CSS अप्लाई करके आपको बताया, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जल्दी से जो बाकी के पेजेस है तो उनको भी जो है तो हम CSS अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी मैं अगले पार्ट्स भी अपलोड करूंगा। सो आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।